आर्यन खान मामले से महाराष्ट्र में सियासी घमासान छिड़ गया है, जिसमें एक के बाद एक पत्ते खुल रहे हैं और बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है। एनसीपी प्रमुख पर आरोपों की बरसात करते हुए एनसीपी नेता नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी लपेटे में लिया, जिसके बाद कल फडणवीस ने मलिक पर अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन होने के आरोप लगा दिए और अब पलटवार करते हुए मलिक ने फडणवीस पर नए आरोप लगाए हैं। तो क्या बोले मलिक, देखिए इस रिपोर्ट में। आर्यन खान मामले को लेकर महाराष्ट्र में जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीते दिन पूर्व सीएम ने नवाब मलिक पर आरोप लगाए थे और मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ते होने की बात भी कही थी, जिसके बाद मलिक ने कहा था कि अब वो फडणवीस के पत्ते खोलेंगे और आज नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में उगाही और जाली नोट का कारोबार चल रहा था। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का जिक्र भी किया। वो बोले कि पूर्व सीएम वानखेड़े को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो उनका करीबी है। महाराष्ट्र के मंत्री बोले कि देवेंद्र ने सीएम रहते अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग, क्रिमिनल लोगों को सरकारी कमीशन बोर्ड में जगह दी। आगे नवाब मलिक ने कहा कि हैदर आजम नाम के नेता को फडणवीस ने फाइनेंस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया था, जबकि वो बांग्लादेश के लोगों को मुंबई में बसाने का काम करता है। उसकी दूसरी पत्नी बांग्लादेशी है, उसकी मलाड़ पुलिस जांच कर रही थी। कहा गया कि जब पुलिस जांच कर रही थी तब सीएम ऑफिस से फोन आया था, जिसके बाद मामला दबा दिया गया। नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र के इशारे पर महाराष्ट्र में उगाही का काम हो रहा था, चाहे वो मामला बिल्डर्स का हो या फिर झगड़े का, सब में उगाही की जाती थी। ये भी कहा गया कि अगर विदेश से अंडरवर्ल्ड का फोन आ जाता था तो पुलिस भी मामला रफा दफा कर देती थी। इसके अलावा मलिक ने नोटबंदी के समय का भी जिक्र किया। मलिक बोले कि जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई तब पीएम ने कहा कि आतंकवाद, जाली नोट, काला धन खत्म करने के लिए नोटबंदी हो रही है। इसके बाद पूरे देश से जाली नोट पकड़े गए, लेकिन 8 अक्टूबर 2017 तक महाराष्ट्र में एक भी जाली नोट का मामला सामने नहीं आया, क्योंकि देवेंद्र की प्रोटेक्शन में जाली नोटों का खेल चल रहा था। लेकिन 8 अक्टूबर 2017 को एक छापेमारी हुई जिसमें 14,56,00,000 रुपए के जाली नोट पकड़े गए। इस मामले को रफा दफा देवेंद्र फडणवीस ने ही कराया था। मलिक ने फडणवीस पर पलटवार करते हुए अंडरवर्ल्ड के साथ भी उनका कनेक्शन बता दिया। अब ये मामला बहुत आगे निकल चुका है, जिसमें असली मुद्दा खो गया है। देखना होगा कि इस मामले में और कितने बड़े खुलासे होने बाकी हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।